अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आने के 5 दिन बाद हिंदू संगठनों और साधु संतों ने बुधवार को आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली की अगुवाई कर रहे अलवर सांसद बालक नाथ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए यह मार्च निकाल रहे हैं। जिन अधिकारियों ने मंदिर तोड़ा है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और दोबारा मंदिर बनाया जाए। साधु संतों के विरोध की शुरुआत कंपनी बाग के शहीद स्मारक से हुई। साधु संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी रैली में पहुंचे। आक्रोश रैली में हिस्सा लेने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के विभिन्न जिलों से साधु संतों की टोलियाँ अलवर पहुँची। गौरतलब है कि अलवर में सड़क का रास्ता साफ करने के लिए 86 दुकानें व घर बुलडोजर से तोड़े गए थे। इसी में 300 साल पुराना मंदिर भी शामिल था। एक दिन पहले ही गहलोत सरकार ने SDM और नगरपालिका के EO समेत चेयरमैन को भी सस्पेंड कर दिया था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।